ये हमने बाइक से ट्राई किए लेकिन नहीं हुआ, फिर इस तरह हमने आज से ही धक्का लगा लिया। ये तैयब भाई ने लॉक लगा दिया इसका बूट का, ये देख। सलामुअलैकुम। हमारी गाड़ी रात को ख़राब हो गई थी, इस साइड का गोड्डा निकल गया इसका, तो रात को 2 बजे निकला था, हमने यहाँ पे पार्क कर दी थी, तो अब लेने आया हूँ। भाई भी आया, तैयार भाई भी, उसको धक्का लगा के ले जाते हैं वर्कशॉप में। ये इधर पास ही वर्कशॉप है। अब गोड्डे का पता नहीं, दोनों साइड के निकले, आवाज़ तो दोनों साइड से आ रही थी। अब देखते हैं इसका क्या करना है। इस साइड का तो कन्फर्म है कि निकल गया गोड्डा, दूसरी का पता नहीं। अब बोनट खोलते हैं, भाई आगे गया वर्कशॉप का पता करने, आता है तो फिर देखते हैं इसका। सुबह सुबह टायर भाई को भी तंग किया और इसको बुलाया हमने, धक्का लगाना है वर्कशॉप पे ले जाने इसको। यहाँ से जहाँ से हम काम करवाते हैं वो तो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक और मिस्त्री है, उसको दिखाते हैं। मैं कहता हूँ इसको ना बाइक के साथ धक्का लगाते हैं, पाँव लगा के। वैसे तो ये नहीं जाना आगे, देखें आवाज़ कर रही है, ये देख आवाज़ अच्छी खासी आ रही है इसकी। कटाई तो हो रही है इसकी। हमने रोड पे पार्क कर दिए, अब तैर भाई जा रहा है, इसको बम्पर को फाउंड लगाएगा, देखते हैं कि आगे जाती है क्या। जा तो रही है तकरीबन, मुझे लगता है चली जाएगी। अब मैं अपनी बाइक लेके जाता हूँ। मैं इस बाइक से धक्का लगाता हूँ। ये हमने बाइक से ट्राई किए लेकिन नहीं हुआ, फिर इस तरह हमने आज से ही धक्का लगा लिया। ये सामने वर्कशॉप है, पहुँच आए इधर। वर्कशॉप पे पहुँचा है, ये मुल्तानी की वर्कशॉप है। अब अभी तो बंद है, तकरीबन 5:30 का टाइम है, तो ओपन होगी तो फिर चेक करवाते हैं इसको। कर दी अब वो भाई जो खड़ा है ना सामने, उसको चाबी दी है मिस्त्री ने, कहा है कि उसको दे दो, हम 8 बजे आएंगे, तो आके हम इसको आधे घंटे में ठीक कर देंगे। तो हमने चाबी दे दी है, उस होटल पे चलते हैं, चाय पीते हैं, शायद तब तक वो आ जाए। किसी को भी लेट है, 9:30 बजे आना है उसने, वो कह रहा था, तो चाबी हमने दी है। तो ये सामने होटल है, मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे चाय पीते हैं, हो सकता है तब तक वो आ जाए, तो इसको ठीक करवाते हैं। और गोड्डे इसके ना दोनों साइड के निकल गए, होटल पर आ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय भाई, ये भाई साहब चाय बना रहे हैं कराची होटल, सॉरी ये न्यू क्वेटा हर्ज प्याला होटल, यहाँ पे चाय बहुत अच्छी है। चाय आ गई है हमारी, चाय दिखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही है, अब टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। ये अभी तक तो नहीं है, वर्कशॉप बंद है, तो अब मैं घर जा रहा हूँ, तकरीबन 8:30-9 बजे को ओपन होगी, तो फिर मैं दोबारा आऊँगा यहाँ। इसकी जो है ना किट, वो पूरी टूट गई है, तो अब नहीं इसको डालनी पड़ेगी, अब मंगवाते हैं और न्यू डालवाते हैं इसमें। गोड्डा किट लेके आए हैं, वैसे तो एक्सल कहते हैं इसे पंजाबी में, गोड्डा कहते हैं उसकी। ये किट है, ये 2300 की हमें मिली है, 2350 की,
वो ग्रीस का पैकेट और वो बूट लेके आए काट वाला। जापानी जो है वो तकरीबन 8,000 या तकरीबन 9,000 के आसपास है। तो ये चाइना किट है, ये है जी किट, ये हमारे पास आ गई है, ये वाली है। ये इसके साथ हम फिटिंग कर रहे हैं। अब जापानी लेके आए थे, सॉरी जापानी तो नहीं मिला, चाइना का मिला है, वो लेके आए थे, फिटिंग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे चलते हैं। ये ऊपर अब एबीएस वाला, एबीएस ब्रेक वाला कड़ा डाल रहे हैं। उसमें ग्रीस कर रहे हैं, ग्रीस करने के बाद इस फिटिंग कर देंगे बस। ये अब एक्सल का बूट ग्रीस कर दिया, अब उसकी फिटिंग कर रहे हैं। ये एक्सल की फिटिंग हो रही है, ये भाई सब कर रहे हैं, ऊपर बूट डाल रहे हैं इस पर। बस थोड़ा सा काम रह गया, ये वाला हो गया, थोड़ा सा रह गया। ये तैयब भाई ने लॉक लगा दिया इसका बूट का, ये देखें। फिटिंग कर रहे हैं पूरी, तकरीबन सेटिंग हो गई इसकी, ये बस थोड़ा सा रह गया। ये अंदर से नीचे वाली साइड से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये फिटिंग हो रही है। ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से तसल्ली से करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये जी फिटिंग हो गई है, टायर लगा रहे हैं भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ठीक हो गई है, फिटिंग हो गई इसकी, और इस पर टोटल जो खर्चा हुआ है वो तकरीबन 6,000 का हुआ है। अब इसका गोटा जिसे हम एक्सल कहते हैं ओके हो गया, सुबह से तंग हो रहे थे, शुक्र है अब ठीक।